डोल 11 पर नगर में माहौल धर्ममय था। विभिन्न समाजों द्वारा निकलने वाले 12 डोल, 4 अखाड़े और 6 नैना विराम झांकियों के कारवा को श्रद्धालु निहारते रहे। बेटमा में निकलने वाले डोल को देखने के लिए नगर सहित आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बेटमा पहुंचते हैं। इस बार बाहर से आए पुलिस फोर्स के साथ SDOP राहुल खरे और थाना प्रभारी संजय सिंह पूरे समय दल बल के साथ व्यवस्था संभालते रहे। शाम होते ही बैठमा की सड़कें दूधिया रोशनी से प्रकाशित हो गई। नगर में डोल 11 पर इस बार 6 झांकियां निकाली गई। हजारों छोटे बड़े बल्बों व रंग बिरंगी लाइटों से सुसज्जित झांकियों को तैयार करने के लिए कलाकार कई दिनों से जुटे थे। कुछ झांकियां बाहर से भी बुलवाई गई थी। झांकियां 35 फीट लंबे ट्राले पर बनाई गई थी। झांकियों के निकलने वाले इस कारवा में लंबे अंतराल के बाद इस बार रामदल व्यायामशाला की झांकी भी दिखाई दी, जिसमें शिव तांडव प्रसंग व जलाभिषेक पर वर्णन किया गया था। वहीं नगर परिषद की झांकी में कुंभकर्ण व्रत का प्रसंग नजर आया तो राजवाड़ा के नवयुग मंडल की झांकी में नरसिंह मेहता के प्रसंग पर आधारित झांकी दिखाई दी। कुश्वामित्र मंडल की झांकी में गणेश विवाह का प्रसंग दिखाया गया था, जिसमें हल्दी की रस्म हुई, रिद्धि सिद्धि के साथ फेरे दिखाए गए। इस वर्ष पहली बार खाटू श्याम मित्र मंडल की शिव प्रसंग झांकी निकाली गई। वहीं कुंभरावत समाज की झांकी में भगवान श्री कृष्ण भक्तों को झूला झूलते दिखाई दिए। झांकियों के पूर्व नगर में विभिन्न समाजों के डोल भी निकले। वहीं इसके अलावा गणेश मलखंब के हैरत अंगेज प्रदर्शन सबको पसंद आए। वहीं अखाड़े के कलाकार भी हैरत अंगेज करतब दिखाते हुए सड़कों पर नजर आए। रात को झांकियों का कारवा मुख्य सड़क पर नजर आया, जो देर रात तक चलता रहा। विभिन्न सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक संगठनों के द्वारा मंच लगाकर झांकी निर्माताओं, अखाड़े के उस्ताद कलाकारों को मेडल एवं प्रतीक चिन्ह देकर के सम्मानित किया गया। ढोल अखाड़े में झांकी मार्ग को लेकर नगर परिषद में विशेष साफ सफाई व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था की थी। नगर परिषद अध्यक्ष मनीषा शशि जायसवाल ने बताया कि पर्व के चलते नगर में आने वाले श्रद्धालु एवं दर्शन करने वाली माता बहनों के लिए प्रकाश आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था की गई। बैठमा इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट।
डोल ग्यारस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हर वर्ष बेटमा नगर में डोल ग्यारस का बहुत अच्छा आयोजन होता है, अलग अलग समाज, अलग अलग अखाड़े कहीं झांकियां बनाते हैं, कहीं अखाड़े निकालते हैं, और आज यहां आकर के और देख करके बहुत अच्छा लगा कि एक शहर इंदौर शहर में जो अनंत चौदस की झांकियां निकलती है, उसी रूप में आज बेटमा नगर में भी झांकियों का निकलना यहां देखा मैंने। यहां झांकियां खूब अच्छी सजाई, दिल से सजाई, सभी ने खूब मेहनत करी। मैं सभी नगरवासियों को, ग्रामीण वासियों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। प्रतिवर्ष डोल ग्यारस पर डोल ग्यारस का पर्व मनाया जाता है, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी परंपरानुसार डोल ग्यारस पर चल समारोह निकाला जा रहा है, जिसमें अखाड़े हैं, झांकी हैं, और पर्व शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है। आसपास के लोगों में उत्साह है, सभी शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार को एंजॉय कर रहे हैं। सब डिवीज़न के अंदर बेटमा तहसील कार्यालय के पास में डोल ग्यारस का एक बड़ा आयोजन होता है, जिसमें स्थानीय लोग झांकियां निकालते हैं गणेश जी की और अन्य देवी देवताओं की, और इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन भी ये लोग करते हैं, इसका डिस्प्ले होता है। तो आज हम लोग इसी व्यवस्था में हैं कि लगभग 10-11 यहाँ पर झांकियाँ निकली हुई हैं, झांकियाँ और डोले मिलाकर, और बड़ा शांतिपूर्ण प्रदर्शन वो रहा है पूरा आयोजन, और लोगों ने काफ़ी अच्छा कल्चरली सपोर्ट किया इसे, और बड़ा पॉजिटिव तरीके से लोगों का रिस्पॉन्स रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।